हेडिंग बोलो बताओ। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली तो चलेगा? चलेगा क्या? यही होना चाहिए। इनको पैसा मिल रहा है, कुछ देर के बाद ये पैसा देंगे। चलो अब मुझे बताते जाओ, सबसे पहले अगर ये एफडी के नाम पर तुमसे पैसा ले रहे हैं तो इनका बताओ तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 6 मंथ से लेके 5 साल। 5 साल नहीं हुआ, 12 × 5 = 60। तुम लोगों को 60 मंथ समझ में नहीं आ रहा तो 5 ईयर्स लिख लो ब्रैकेट में। तो मिनिमम कितना? 6 मंथ। तो एफडी में पैसा डालोगे तो बहुत जल्दी भी वापस लेना चाहोगे तो कब मिलेगा? 6 महीने के बाद ही मिलेगा। और कितना दिन तक रख पाएगा वो? मैक्स 5 साल। 5 साल के बाद वो आपको पैसा लौटाएगा ही लौटाएगा, याद रहेगा। चलो अच्छा, रेकरिंग डिपॉजिट है तो मिनिमम 12 मंथ्स है। देखो समझो, फिक्स डिपॉजिट में आप एक मुश्त पैसा दे देते हैं तो 6 महीना तो काफी यूज करता तुम्हारे पैसे को, लेकिन रेकरिंग में तो यहां तुम थोड़ा थोड़ा दे रहे हो। अब थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, 6 महीने में मांग लिया वापस, ये ठीक से जमा भी नहीं हुआ है और वापस भी मांगने आ गया, तो इसलिए बोला कम से कम 12 मंथ। कम से कम क्या? 12। तो मिनिमम मेच्योरिटी कितना? 12। मैक्सिमम वही 5 साल, याद रहेगा। अगला अच्छा एक बात बताइए, अगर वो मॉर्गेज लोन है, क्या है? मॉर्गेज लोन है। और मान लो मॉर्गेज लोन है और उस केस में, मतलब मॉर्गेज लोन समझते हो, जैसे मैंने आपको लोन दिया और उसके बदले मैंने आपका कोई सामान ले लिया, मॉर्गेज मतलब लैंड बिल्डिंग ले लिया, ठीक है जी। अब आप उस लोन का पैसा हमें लौटा रहे हो डिपॉजिट के तौर पे, थोड़ा थोड़ा पैसा देके, तो वहां भी 60 मंथ मैक्सिमम होगा या लोन का जो पीरियड होगा वो मैक्सिमम होगा? जैसे लोन का पीरियड है 20 साल, तो ये 20 साल हो जाएगा। देखो पढ़ के देखो लिखा होगा ये, कि डिपॉजिट को अगर जोड़ दिया किससे? लोन से, तो भाई लोन का जो टेन्योर है वही डिपॉजिट का भी टेन्योर होगा। कहां लिखा हुआ देखो तो। चलो अब मैं एक बात बताइए, आप जो इनको पैसा देंगे एफडी के नाम पर या रेकरिंग डिपॉजिट के नाम पर पैसा दे रहे हैं ना आप लोग, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या निधि आपको इंटरेस्ट दे सकता है? बोलो, निधि आपको इंटरेस्ट दे सकता है। और याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो वो आपको देगा वो मैक्स इतना होगा, वो मैक्सिमम इतना होगा। अब कितना मैक्सिमम है? आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो रेट बताया है उससे ज्यादा ये नहीं दे सकते। जैसे मान लो आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए बताया 8%, तो ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 8%। अच्छा क्यों? इनका मन है 8 से ज्यादा देने का। एक बात बताओ, जो एनबीएफसी जिसका बिजनेस है ये, जब वो 8% तक ही दे पा रहा है, तो तुम कौन सा क्रांतिकारी बिजनेस कर रहे हो जो तुम 8% ज्यादा इंटरेस्ट दे दे रहे हो? आप समझिए इस बात को, झूठा हो जाएगा, बाद में डिफॉल्ट करेगा ये लोग। इसलिए क्या बोल दिया कि आरबीआई ने किसके लिए? एनबीएफसी के लिए जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है वही तुम्हारा भी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तुम उससे ज्यादा दे नहीं सकते। जैसे आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए 8% बताया मान लो, तो इनका भी 8 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है ना, आप लिमिट नहीं लगाएंगे तो ये लोग पैसा लेते वक्त ना कुछ भी वादा कर देते हैं। आप डिपॉजिट दीजिए है ना, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल है ना। अरे कैसे डबल कर दोगे भाई, अब हर आदमी अक्षय कुमार थोड़ी है, और कहाँ डबल हो पाया था, देखे थे ना, नहीं हो पाया था ना। तो वही वाली बात है, आप एनबीएफसी जिसका 24 घंटे काम ही यही है पैसे का, जब वो 8% तक दे पा रहा है, तो भाई तुम्हारा तो 8 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तुम ऐसी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी हो, तुम बिजनेस कहाँ कर रहे हो, याद रहेगा। आगे अच्छा एक बात बताओ, इनका जो एग्जैक्टली देखो यहाँ लिखा है क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट को पहले टिक मारो। एक बात बताइए, ये जो निधि कंपनीज होती हैं ये बड़े लोगों के लिए है या मीडियम क्लास? तो याद रखना, मैक्सिमम बैलेंस इन अ सेविंग अकाउंट, देखो एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के नाम से लगता है कि वो सच में वो डिपॉजिट के लिए ही है, लेकिन सेविंग अकाउंट का मतलब डिपॉजिट अकाउंट होता है क्या, कि लोग पैसा डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं। आपको याद होगा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कम मिलता है, मालूम है तुम लोगों को, सेविंग अकाउंट पे 4% के आसपास ही है, कुछ 4.5, 4, कुछ बैंक वादा करते हैं हम 6 तक पहुंचा देंगे, कुछ है कोटक है और तुम्हारा यस बैंक भी था, बेचारा खुद ही 9 हो गया था, है कि नहीं। तो जनरली मुझे लगता है जैसे SBI उस पर वो 4% के आसपास देता है कि नहीं।
तो इन्होंने बोल दिया कि देखो सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा मत डालिए, ये सरकार भी कहती है आपको मालूम है। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, वो सब बोलता है सेविंग अकाउंट में क्यों पैसा रख रहे हो ज्यादा। जैसे कोई कोई आदमी 12-12 लाख 15-15 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में रखा था, अरे सेविंग क्यों रखे हो, सेविंग में 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी में डाल दो, एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है, पहले बताइए। तो वही यहां पे भी, मतलब मैंने आपको बोला कि आप सेविंग ही कर रहे हो तो सेविंग अकाउंट में मत डालो, वो फिक्स डिपॉजिट में डालो, या किस में डालो, रेकरिंग डिपॉजिट में डालो, डिपॉजिट में डालो, सेविंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोला कि मैक्सिमम याद देख लीजिएगा 1 लाख रुपया पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया से ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अरे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको कहां भेज दिया वो कि तुम एफडी में पैसा डालो। तुम पढ़ो वहां क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट सेविंग अकाउंट में जिस पर वो इंटरेस्ट देंगे वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा 1 लाख से ज्यादा पड़ा हुआ है तो 1 ही लाख तक इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख से बाद वाले पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तुम अब वो पैसा उठाए कहां डालोगे, एफडी में डालोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए आप। अच्छा सेविंग अकाउंट का देखो, अभी जो मैंने तुम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था वो किसका था, फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब ये एफडी वाला था। अब मैं सेविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। सेविंग पर ज़्यादा देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं, याद रखें, नहीं ऐसे नहीं, 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक मान लो 4% दे रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कितना दे रहा है 4, तो इनका 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनका 6 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो बताओ नेशनलाइज्ड बैंक से कितना ऊपर जा सकते हैं, 2% से ज्यादा ऊपर ही जा नहीं सकते। नेशनलाइज आजकल क्या दे रहा है, 4 देता है, मुझे लगता है SBI सब तो 4 ही देता है कि नहीं, तो SBI 4 दे रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, 6 से ज्यादा नहीं दे सकते, याद रहेगा। तो FD को जोड़ दिया NBFC से और सेविंग को जोड़ दिया है नेशनलाइज्ड बैंक से, किससे जोड़ दिया है, नेशनल, पर नेशनलाइज्ड से बोला कि 2% तुम ज्यादा दे सकते हो क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक सब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता नहीं है। हाँ हेडिंग बोलो, अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम चार्ज, लिखो फ्री फ्रॉम चार्ज, जो नहीं लिख रहा वो बेवकूफ है। फ्री फ्रॉम चार्ज मतलब, फ्री फ्रॉम चार्ज का मतलब क्या है, जैसे इधर देखो मान लो ये ऑडिटोरियम मेरा है, मान लो क्या है ही? अब इस ऑडिटोरियम पे मैंने कोई भी क्या नहीं लिया है, कोई लोन नहीं लिया, तो ये अनएनकम्बर्ड है। अच्छा इस ऑडिटोरियम को दिखा के मैं लोन ले लूं तो वो हो जाएगा एनकम्बर्ड, क्या हो जाएगा एनकम्बर्ड। तो फ्री फ्रॉम चार्ज मतलब उस पर कोई लोन वोन होना नहीं चाहिए, इसी को बोलते हैं अनएनकम्बर्ड। क्या बोलते हैं, अनएनकम्बर्ड। क्लियर है जी, अब पढ़ो अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का क्या मतलब है, पढ़िए। अच्छा आप जो निधि कंपनी को पैसा देंगे वो अपने अकाउंट में पैसा रखेगा या वो भी किसी बैंक में जाकर जमा करेगा, बोलो। मतलब निधि कंपनी को बिजनेस करती है क्या, कि निधि कंपनी भी तुम्हारा पैसा लेके कहां डाल देता है, मतलब निधि कंपनी का भी अकाउंट खुलता है किसी बैंक में, नहीं समझ में आया, हर कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं खुलता है बैंक में, तो निधि कंपनी का भी क्या खुलता है, बैंक अकाउंट। तो सुनिए निधि कंपनी, तो यहां साफ लिखा एवरी निधि शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू कीप इन्वेस्टेड, मतलब आपको पैसा डालना है और इतना पैसा हमेशा डला रहना चाहिए, है ना। अच्छा कौन से बैंक में, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और जो डिपॉजिट का अकाउंट होगा वो एनकम्बर्ड होगा या अनएनकम्बर्ड, मतलब फ्री फ्रॉम चार्ज, मतलब नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए, मतलब इस अकाउंट को दिखा के तुम कहीं से लोन ना लिए हो, मतलब नॉर्मल जब चाहोगे पैसा वापस मिल जाएगा, ये होता ना अनएनकम्बर्ड, ठीक है। और बाकी याद रखें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कोऑपरेटिव बैंक नहीं होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक होना नहीं चाहिए, बहुत छोटे बैंक होते हैं, या पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। बोलो कहाँ कहाँ ये पैसा डाल सकता है, बोलो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल सकता है, और अपने नाम से पैसा डालेगा, और वो पैसा कम से कम कितना बैंक में होना चाहिए, आपके पास जितना पैसा आया हुआ है उसका कम से कम कितना 10% तो बैंक में जमा होना चाहिए। अच्छा जितना पैसा आया हुआ है उसका कहां से अमाउंट निकालोगे, तो देखो एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ, इसका मतलब पीछे 2 महीने जाइए, जैसे आज का डेट बताओ 4 अक्टूबर क्रांतिकारी दिन है, 4 अक्टूबर से आप पीछे 2 महीने जाइए, 4 अगस्त नहीं ऐसे नहीं, देखो एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ,
इसका मतलब आप अक्टूबर से मत गिनो ऐसे, आप पहले गिनो अक्टूबर से पहले कौन गया, सितंबर, सितंबर से पीछे कौन गया, अगस्त, अगस्त से पीछे वाला का जो था उसका लास्ट मंथ, लास्ट बिजनेस डे कौन था, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को मालूम चला तुम्हारे यहां 100 करोड़ डिपॉजिट था, कितना था 100 करोड़, तो इसका कितना पैसा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, 10 करोड़ तो कम से कम होना ही चाहिए। ये समझे कैसे कैसे हुआ, अरे 10% किसका निकालोगे, तो अमाउंट का, वो अमाउंट कब का होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, पिछले दो मंथ का, पिछले दो मंथ का लास्ट वर्किंग डे, पिछले दो मंथ का लास्ट वर्किंग डे। तो बताओ तो लास्ट वर्किंग डे कौन होगा, सितंबर और अगस्त, अगस्त से पीछे जाओगे तो कौन होगा, जुलाई 31, जुलाई 31 को तुम देखो, तो सर जुलाई 31 को 10 करोड़ का डिपॉजिट था, तो 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ तुम्हारा बैंक में जमा हुआ दिखना चाहिए, याद रहेगा, क्लियर है। तो इसका सारा पैसा ये लोग अपने हाथ में रख सकते हैं या 10% बैंक में रहना चाहिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस भी, चलो अभी तक तो इसको पैसा आ रहा था, याद है डिपॉजिट, जब आता है तो क्या बोलते हैं डिपॉजिट, क्या अब ये पैसा देंगे, जब देंगे तो लोन बाय निधि टू इट्स मेंबर्स ओनली, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये सारी कहानी मैं तुम्हें कहां से पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 406 या रूल, देख रहे हो सब जगह तो रूल ही पढ़ा रहा हूं, अरे इतने देर से रूल ही तो पढ़ा रहा हूं लगातार, तो 406 में ज्यादा कुछ लिखा थोड़ी है, ज्यादातर कहां लिखा गया है रूल्स। आइए सबसे पहले बताइए लोन किसको देंगे, किसी को भी उठा के पूछ लूंगा, किसी को भी, चिंता नहीं करना, भेदभाव नहीं करूंगा, किसी को भी उठाऊंगा। आइए, अच्छा एक बात बताइए, जो आप लोन देंगे उसका लिमिट है कुछ, क्या है लिमिट है कुछ, आ जाओ भाई सुनो, अच्छा लोन जो आप देते हैं अपने औकात अनुसार देंगे, किसके अनुसार देंगे, अच्छा औकात में त होता है या द होता है, त औकात या औकाद, अच्छा ठीक है, देख रहे हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो औकात, तो औकात के हिसाब से लोन दोगे ना यार, तो सुनिए इधर लिखा है तुम्हारा औकात और इधर लिखा है तुम्हारा लिमिट, तुम लोगों को बोला ना मल्टी कलर पेन रखने के लिए, तो दो अलग अलग बॉक्स बनाओ, पहले इसको बोलेंगे हिंदी एग्जाम में मत ले देना औकात, है ना, और इधर क्या हो गया ये लिमिट, लिमिट का मतलब कौन सा लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, लिखा दो बॉक्स बनाया ऐसे अलग अलग पेन से, जिंदगी बहुत सादी है, कम से कम नोट्स तो रंगीन हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मल्टी कलर पेन रखिए और अपने जीवन में रंग भरिए, क्या भरिए, रंग भरिए, है कि नहीं, चलो इधर देखो, इधर देखो बच्चे सब देखो, इधर आओ, अगर उनको डिपॉजिट के नाम पर कितना पैसा मिल चुका है, 2 करोड़ से कम, तो याद रखिएगा ये कितना लोन दे सकते हैं एक आदमी को, 2 लाख से ज्यादा नहीं, ये पहले समझ में आया कैसे, जैसे इनसे पूछा मैंने कितना डिपॉजिट है तुम्हारे पास, कहा 1.5 करोड़ है, कितना है 1.5 करोड़, तो कितना दे रहे हो लोन, कितना दे रहे हो, तो सर 4 लाख लोन दे रहा हूं, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख पर मेंबर, ये कहीं लिख लेना 2 लाख पर मेंबर, लिखा, अरे पर मेंबर लिमिट है ना, ऐसा थोड़ी है कि 1.5 करोड़ है तो 2 ही लाख लोन देगा, 2 लाख पर मेंबर, 2 लाख से ज्यादा वो देगा नहीं। अच्छा अभी जरा औकात बढ़ाते हैं थोड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ तक है तो 7.5 लाख पर मेंबर मिला। अच्छा अगला है, 20 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ तक है तो 12 लाख, और तुम्हारा 50 करोड़ से ज्यादा उनके पास पैसा है तो 15 लाख रुपया पर मेंबर। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ, चलो मैं किसी से पूछ लेता हूं, एक निधि में मैं गया और उनसे पूछा कि डिपॉजिट के नाम पर कितना पैसा आपके पास, बोला 40 करोड़ है, अब बोलो 40 करोड़ का डिपॉजिट है उसके पास, तो एक मेंबर को मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है, 12 लाख, कैसे सी पॉइंट में आया क्या, 20 से ज्यादा लेकिन 50 से कम, 40 करोड़ किस में आता है, 20 से ज्यादा लेकिन 50 से कम, तो उसमें लिमिट क्या चल रहा है तुम्हारा, 12 लाख पर मेंबर, मतलब ये इंडिविजुअल लिमिट है, क्या है इंडिविजुअल,
चलो अब एक बात बताइए, जब वो तुमसे डिपॉजिट लेता था तो तुमको इंटरेस्ट देता था, इस बार तुमको लोन दिया है तो इंटरेस्ट लेगा, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? याद रखिएगा, सुन लो जरा ध्यान से, आप जो डिपॉजिट पर क्या देते थे इंटरेस्ट, उससे आप 7.5% ज्यादा तक ले सकते हो। समझ में आ गया? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लो इंटरेस्ट चार्ज ये ना ऑन लोन ये ना इज इक्वल टू इंटरेस्ट गिवेन ऑन डिपॉजिट प्लस कितना परसेंट? 7.5%। याद रखना, रुको रुको, इज इक्वल टू मत लिखना, इसको ठीक कर देता हूं। ये मैक्सिमम है ना? अरे बोलो, मैक्सिमम है ना? तो ये इससे ज्यादा, ये इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी ना, शैल नॉट एक्सीड है ना, इतना तो जा ही सकता है। मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, एक सेकंड में देखो, ये ऐसा हो गया ना, देखो ठीक है ना, उससे ज्यादा ये आपसे क्या नहीं मांग सकते? इंटरेस्ट नहीं मांग सकते। यही तो इनका फायदा होता है ना यार। तो बताइए कितना फायदा कमा सकते हैं? 7.5%। 7.5% का तो फायदा हुआ है इनका। अच्छा, 7.5% से ज्यादा का फायदा कमा सकते हैं ये? नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इन्होंने लिखा हुआ है कि डिपॉजिट अगर आप हमें दोगे तो हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, और हमसे लोन लोगे तो अब तुम्हें बताना है कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आठ सात पंद्रह, 15.5, 15.5 से ज्यादा ये लिख नहीं सकते। यही तो था, बस सिंपल तो है ना। इनका एक बार बताओ प्रॉफिट क्या है? 7.5% प्रॉफिट तो है बीच में। अरे इन लोग का प्रॉफिट क्या होता है बताओ? डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट ये देते हैं और लोन पे जो ये इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बीच का जो गैप है वही तो इनका प्रॉफिट है। और यही प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे बटेगा किसको? मेंबर्स। क्योंकि इनका बिजनेस यही तो मात्र है, दूसरा कोई बिजनेस थोड़ी है इनका। अरे बैंक का भी तो यही बिजनेस होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ इनका मार्जिन कितना हो सकता है बीच का? 7.5% से ज्यादा हो नहीं सकता। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, या अगर लोन का क्लास सेम है तो सबसे सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे? बोल ही नहीं रहा कोई। अच्छा लोन अलग अलग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, जैसे होम लोन किसी का है, किसी का कुछ है, लेकिन अगर सेम क्लास ऑफ लोन है तो सेम क्लास है तो भाई सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे ना। और उसके बाद क्या ये डाउट में रखोगे या डिस्क्लोज करोगे प्रॉपरली? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज होना चाहिए। कहाँ? नोटिस बोर्ड पे, हर ब्रांच में। याद रहेगा, आप देखिएगा किसी भी बैंक में जाइए तो वहां लिखा रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। आ जाओ, किसी बारे में बात कर रहे हैं आप?